हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ अपना दीपावली मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। गाइस, मैं आपको बता दूँ, मैं कोई भी मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, बट जितना मुझे आता है उतना मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है। सो गाइस, सबसे पहले मैं मेकअप रिमूवर वाइप्स की मदद से अपने फेस को क्लीन कर दूंगी। फेस को क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पे NYV का फेस सीरम यूज कर रही हूँ। सीरम यूज़ करने के बाद मैं अपने फेस पे SQ का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। तो गाइस, कई लोग प्राइमर को स्किप करते हैं जब वो लोग अपने फेस पे फेस सीरम लगाते हैं, बट मैंने यहाँ पे प्राइमर को स्किप नहीं किया है, क्योंकि प्राइमर लगा के ये होता है ना कि हमारा फाउंडेशन अच्छे से हमारे फेस पे टिका रहता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्राइमर का यूज़ किया है। प्राइमर को यूज़ करने के बाद मैंने यहाँ पे BB क्रीम लिया हुआ है, उसमें मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन मिला लिया है और दोनों को अच्छे से मिक्स करके मैं अपने फेस पे डैब करके लगाऊंगी। गाइस, जितना हो सके जब आप फाउंडेशन लगाते हैं तो फाउंडेशन लगाने के लिए आपको टाइम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जितनी देर तक आप लोग अपने फाउंडेशन को अपने फेस पे सेट करोगे उतनी देर तक आपका फाउंडेशन आपके फेस पे लगा रहेगा और फाउंडेशन आपके फेस को एक बहुत ही अच्छा कवरेज भी देगा। तो जब भी आप लोग फाउंडेशन लगाते हैं तो जल्दबाजी में फाउंडेशन ना लगाएं, फाउंडेशन लगाने के लिए थोड़ा टाइम दें। इसके बाद गाइज हम आते हैं अपने आईब्रो को सेट करने पर। सो यहाँ पे मैं एक आईब्रो पेंसिल की मदद से अपने आईब्रो को सेट कर लूँगी। आईब्रो को सेट करने के बाद यहाँ पे मैं कंसीलर की मदद से अपने आईज़ का बेस बना रही हूँ और अपने फिंगर की मदद से ही मैं इसे सेट कर लूँगी। उसके बाद गाइज मैं यहाँ पे लूज पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आई मेकअप करने के लिए मैंने ये सबसे लाइट कलर यूज किया हुआ है। उसके बाद गाइज मैंने ये लाइट पर्पल कलर यहाँ से चूज किया हुआ है और इसे भी मैं अच्छे से अपने आई पे लगाऊंगी। उसके बाद गाइज मैंने यहाँ पे लाइट ब्राउन कलर चूज किया हुआ है। अब
गाइज मैंने ये ग्लिटर में लाइट पिंक कलर का शेड चूज़ किया हुआ है, जिसे मैं अपने आईज़ पे अच्छे से लगा लूँगी ताकि मेरा आई मेकअप उभर के आए। सो गाइज आई मेकअप मेरा कंप्लीट हो चुका है और आप लोग देख सकते हैं मैंने बहुत ही ज़्यादा लाइट मेकअप अपने आई पे किया हुआ है, क्योंकि मुझे डार्क बिल्कुल भी नहीं करना था। उसके बाद मैं आईलाइनर अपने आईज पे लगा लूँगी, और आईलाइनर को हमें थोड़ा मोटा करके लगाना है, क्योंकि मोटा आईलाइनर अगर हम अपने आँखों पर लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा लुक हमारा आ जाता है। आईलाइनर लगाने के बाद मैं अपने आईज के आई कॉर्नर पे हाइलाइटर लगा दूंगी, और साथ में मैं आईज के नीचे हल्का सा ब्राउन शेड भी लगा लूंगी ताकि मेरी आंखें थोड़ा बड़ी सी दिखे और बहुत प्यारी दिखे। उसके बाद गाइज मैं यहाँ पे मस्कारा यूज कर रही हूँ। अब मैं अपने फेस पे कॉम्पैक्ट पाउडर लगाऊंगी। कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने के बाद मैं फेस पे हाइलाइटर लगा रही हूँ। मैं हाइलाइटर बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ लगाना, तो यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा ही हाइलाइटर लगा रही हूँ, क्योंकि अगर हम लोग दीपावली में नाइट में ऐसा मेकअप करते हैं, वैसे तो लोग नाइट में ही दीपावली का मेकअप करते हैं, लेकिन अगर हम लोग नाइट में हाइलाइटर अपने फेस पे ज़्यादा लगें तो बहुत अच्छा शाइन हमारे फेस पे आ जाता है। बस हमें ये ध्यान रखना होता है, मेकअप हमें लाइट करना होता है, लेकिन हम हाइलाइटर ज़्यादा लगा सकते हैं। सो यहाँ पे भी मैंने हाइलाइटर का ज़्यादा यूज़ किया है। सो हाइलाइटर लगाने के बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ क्रियोन की लिपस्टिक। मैंने अपने लिप पे पहले ही लिप ग्लॉस लगा लिया था। तो गाइस फाइनली मेकअप सारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं मेकअप फिक्सर से अपने मेकअप को फिक्स कर दूंगी। मेकअप फिक्सर को लगाने के बाद मैं कुछ देर वेट करूंगी, फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे सेट कर लूंगी। तो गाइस ये रहा मेरा फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। गाइज अगर आप लोगों को भी ऐसा सिंपल सा लुक क्रिएट करना है तो आप लोग इस तरीके से अपना लुक क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मैंने आपको कोई भी प्रोडक्ट का नाम नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जो प्रोडक्ट का नाम मैं आपको बताऊँ आप लोग वही यूज़ करें। आप लोगों के पास जो भी प्रोडक्ट है आप लोग उसे यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से तैयार हो सकते हैं। सो गाइज आई होप आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो मिलती हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।